हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं मैं और चांदनू सर की एटीपी स्टार जो है वो खास क्यों है, ऐसी क्या इसमें खासियत है जो कि इसको बाकी प्लेटफॉर्म से अलग कर देती है। तो देखो यार, जो बच्चे ऑलरेडी हमें इतने सालों से जानते हैं, इतने सालों से हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, जो हमारे कोर्सेज में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, उनको तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, उनको ऑलरेडी पता है कि एटीपी स्टार में क्या क्वालिटी है। बट जिन भी बच्चों को अभी तक पता नहीं है, जो नए बच्चे हैं, जो नए नए अभी एटीपी स्टार को जानने लगे, उनके लिए बच्चों ये बातें जानना बेहद ही जरूरी है कि एटीपी स्टार में ऐसी खास बात क्या है। तो यार, जिन बच्चों ने भी अभी तक एटीपी स्टार के अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो पहले तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन बेल है बच्चों, उसको प्रेस करें, ताकि जो अच्छे अच्छे कंटेंट के वीडियो, जो अच्छे अच्छे मोटिवेशन स्ट्रेटजी के जो वीडियोज हैं, उनको तुम मिस नहीं कर पाओ, उनको तुम जल्दी से जल्दी देख पाओ। ठीक है, तो ये बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल जो जल्दी से जल्दी प्रेस करो। ठीक है, अब चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कि एटीपी स्टार में ऐसे कौन कौन से खास फीचर्स है जो इनको बाकियों से अलग बनाता है। तो यार देखो, जो एटीपी स्टार के कोर्सेज है वो तो लेजेंडरी कोर्सेज हैं, उनके बारे में तो ऑलरेडी जो एनरोल्ड है उनको सारी चीजें पता है। बाकी जिनको नहीं भी पता, वो बच्चों हमारी ऐप जो उसको एक्सप्लोर कर सकते हो और वहां से सारी चीजें जो तुम जान सकते हो। अब देखो यार, यहां पे क्या होता क्या है, एक्चुअली बच्चों को क्या होता है कि ऑफलाइन क्लासरूम है और ऑनलाइन क्लासरूम, उनमें डिफरेंस कहां पे क्रिएट होता है कि ऑफलाइन जब क्लासरूम कोर्सेज होते हैं तो बच्चा जो है वो टीचर के साथ में पर्सनली कनेक्ट होता है, वो वहां के स्टाफ के साथ वो पर्सनली कनेक्ट होता है, बच्चे की सारी एक एक चीजें जो है उसके साथ में रहती है। बट बच्चों, मैं तुम्हें बता दूं कि ये सारी की सारी चीजें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी होती है, आपके अपने एटीपी स्टार पे ये सब होता है बच्चों। जो भी यहां के एनरोल्ड बच्चे हैं वो सारे के सारे फैकल्टी से पर्सनली कनेक्ट होते हैं, पर्सनली वो डाउट्स पूछते हैं। अगर बच्चा कभी भी कुछ भी डिप्रेशन फील करता है, अगर वो कहीं पे भी कुछ भी उसको अपनी कमजोरी लगती है, तो वो टीचर के साथ में शेयर करता है और फैकल्टी जो वो भी बच्चों उसका पूरा का पूरा साथ देती है। अब देखो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमारी ये टीम है पूरी, अब अगर मान लो कि कोई बच्चा है उसको फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो शांतनु सर से अगर कांटेक्ट नहीं कर पा रहा तो मेरे से कांटेक्ट कर लेता है। तो अब इसमें ये नहीं है कि मैं ये बोलूंगा नहीं नहीं शांतनु सर तो अच्छा नहीं पढ़ाते तुम्हें और ये वो सब नहीं। बच्चे हम क्या करते हैं कि हम उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की ट्राई करते हैं मिलके, कि बच्चे को कहां पे प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि यार सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही होती है कि बच्चे को कनेक्शन हमेशा फील होना चाहिए। अगर बच्चे को कहीं पे भी ऐसा लग गया कि वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, तो यार पढ़ाई वाली चीजें जो वो तो बाद में आती है, मेन चीज जो है वो क्या है, कनेक्शन डेवलप होना। जब एक कनेक्शन डेवलप होता है उसके बाद ही एक बेटर अंडरस्टैंडिंग जो वो आ पाती है। ठीक है, तो ये हमारी टीम है यार, ऑलरेडी तुम सब जानते हो कि सब अपने अपने सब्जेक्ट के सारे एक्सपर्ट लोग हैं, तो बहुत एक अच्छी टीम है और एक बहुत ही खुशनुमा सा यहाँ पे एनवायरनमेंट हमेशा रहता है। तो बच्चे की हम जितनी भी हेल्प कर सकते हैं दिल से, उतनी हेल्प हम हमेशा बच्चों की करने के लिए तैयार रहते हैं। उसके बाद में भी देखो और भी बहुत सारे नए नए फीचर्स जो वो एटीपी में आते रहते हैं, जो लगातार बच्चों की हेल्प करते रहते हैं, और भी बच्चों काफी सारी चीजें, तो शांतनु सर भी आगे तुम्हें काफी कुछ बताना चाहेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो? तो वैसे अमित सर ने बहुत सारी बातें बता दी यार। बहुत दिन से कमेंट में आता था कि वाई एटीपी स्टार ही क्यों, कमेंट आता था। कई बच्चों को पता है कि एटीपी स्टार ही क्यों, और कई ऐसे नए बच्चे जो पहली बार प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो पहली बार यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, उनको ये पता नहीं है कि भाई एटीपी स्टार इतना खास क्यों है। तो हमने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। तो यार सबसे अच्छी बात जो अमित सर ने बताई तुम्हें कि यार ऑफलाइन में क्या होता था कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन होता था वहाँ के स्टाफ के साथ। यही खास, ये जो दूरी है ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच की, ये हमने कम करने की कोशिश की है। यहाँ का बच्चा डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर लेता है, फ़ोन कर लेता है कि सर मेरे को बात करनी है, मेरे को फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, या सर मेरे को डिप्रेशन फील हो रहा है, क्या करना चाहिए सर, मेरा शेड्यूल क्या होना चाहिए। ये जो दूरी जो है ना, ये हमने बिल्कुल मिनिमाइज करने की कोशिश की है। तो सबसे पहला इशू जो ये आता था कि सर ऑफलाइन में एक कनेक्शन होता था, वो कनेक्शन हमने अपने एटीपी स्टार में डेवलप करने की पूरी कोशिश की है। दूसरा सबसे बड़ा इशू आता था कि सर अ डाउट सॉल्विंग, ऑनलाइन में सबसे बड़ा इशू रहता है सर डाउट कौन बताएगा, सर आप तो इतना बिजी रहते हो। तो हमने उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया, हमने एटीपी गुरुज को अपनी टीम में जोड़ लिया है, जो कि पर्सनली टेलीग्राम पे एक खास टाइम होता है जैसे तुमने इनको टैग किया, सपोज मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं बिजी हूँ लेक्चर बनाने में या कहीं बहुत सारे काम होते हैं, तो हमने इन एटीपी गुरुज जो कि ऑब्वियसली बात है बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं,
इनको हायर किया है कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर मेन स्ट्रीम फैकल्टी तुम्हें नहीं बता पाती है, वो बिजी रहती है, तुम इनके साथ अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। सर मुझे यहाँ नहीं आ रहा है समझ में, ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो ये भी एक स्पेशल फीचर्स तुम बता सकते हो एटीपी स्टार का, एटीपी गुरु वाला। दूसरा क्या होता है यार, कई बार होता है ऐप में कभी ग्लिच आ गया, बग्स आ गए, सिस्टम काम नहीं कर रहा, या सर टेस्ट में क्या आने वाला अपने को बिल्कुल नहीं पता कि अगले सिलेबस क्या है, या कई सारा क्वेरी ऐसा होता है बच्चों का जो अपने मतलब एडमिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, जो अपना एकेडमिक से नहीं होता, नॉन एकेडमिक क्वेरी होती है कि यार मैम मैंने लेक्चर देखा कल डीपीपी नहीं डली थी। तो अब ये जो जितना भी नॉन एकेडमिक का जो इशू होता है, वो हमारे पास एक सपोर्ट टीम है लेड बाय आवर मैनेजर पुरुषोत्तम गोस्वामी सर, इनको तुम लोग जानते ही होगे, और उसके बाद सिमरन मैम है, हर्षिता मैम है, आदिति मैम है, और वर्षा मैम है। तो ये सारी मैम मिलकर तुम्हारे जो भी कॉल्स आते हैं, कई बार ऐसा होता है बच्चों को रहता है कि सर कहाँ कॉल करें, हमें परेशानी हो रही है, हमें नहीं पता क्या करना है ऐप में, कैसे क्या मिलेगा, तो तुम इनको ही कॉल करते हो, जो सपोर्ट का नंबर तुम्हें दिया हुआ है वो इनका ही नंबर दिया हुआ है। तो यानी कि एक ऑफिस टाइम में एक बच्चा अगर परेशान होता है, मान लो फैकल्टी को कॉल नहीं लग पाता है, उनसे बात नहीं हो पाती है, तो बच्चा अपनी सारी क्वेरीज इनको बताता है। ये हमारे सपोर्ट टीम है जो रात दिन इवन संडेज को भी कॉल रिसीव करते हैं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। इसी वजह से एटीपी स्टार खास है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट एटीपी स्टार को बहुत अलग बनाता है। ठीक है, तो हमने पूरी कोशिश की है कि यार एक ऑफलाइन का फील तुम्हें ऑनलाइन में आए, हमने ये पूरी कोशिश की। एक टीम वर्क यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ सिर्फ अकेले इंडिविजुअल फैकल्टी काम नहीं करता, यहाँ सब लोग टीम के साथ मॉनिटर करते हैं तुम्हारे परफॉर्मेंस को। हम महाला सर दोनों डिस्कस करते हैं, हाँ यार ये बच्चे की क्वेरी है हैंडल करना है, एक साथ बैठते हैं, हाँ इसका इससे आप बात करो, इससे तुम बात करो, काइंड ऑफ एक टीम वर्क होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या इंडिविजुअल कोई काम नहीं करता, इसलिए एटीपी स्टार बाकियों से खास है। ठीक है बच्चों, तो यार हमने इस एक बिल्कुल ही छोटे से थोड़े से टाइम में तुम्हें बताने की पूरी ट्राई की कि एटीपी स्टार खास क्यों है। वैसे तो यार इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर हम बताने बैठे तो पूरे के पूरे दिन हम निकाल सकते हैं, लेकिन मतलब एटीपी स्टार को जो एक बाकियों से अलग बनाता, जो खास बनाता, वो बात ये भी कि वो बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है ना, जो बात छोटे से वीडियो में की जा सकती है उसके लिए हम क्यों भाई तुम्हें एक घंटे तक तुम्हारा टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो यार और भी ये हमारे रिजल्ट्स हैं, जैसा कि तुम देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, हमने अच्छे रिजल्ट्स जो प्रोड्यूस किए हैं, और बाकी बच्चों आगे भी हम रिजल्ट जो वो और ऐसे ही प्रोड्यूस करते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने ट्राई किए छोटे से वीडियो में कि तुम्हें काफ़ी चीज़ें जो बता सके, बट बच्चों वही है कि देखो हमने बता दिया, अब तुम्हें खुद को एक्सप्लोर करना है तो तुम एटीपी स्टार की ऐप पे जाओ, वहां पे तुम्हें एग्जैक्टली आइडिया लग पाएगा कि यार कितना अच्छा और प्यारा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जहां पे एक एक चीज जो सेपरेटली तुम्हें अच्छे से दिखेगी, किस किस टाइप के वीडियोज हैं, कितना अच्छा अच्छा कॉन्टेंट वहां पे, कितना अच्छा अच्छा मटेरियल वहां पे। तो यार तुम लोग जो एटीपी स्टार की ऐप को एक्सप्लोर करो अगर नए हो तो, और बाकी तो आई थिंक कि सब चीजें जो वो क्लियर कर ही दी हैं। ठीक है, तो अगर बच्चों वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और यार अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो वो करना मत भूलना। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।